मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। तो इसका मतलब तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे लड़की बनना पड़ेगा? क्योंकि मैं हिंदू। फिर भी मैंने तुझको अपने। अबे यार ये बंदा कहाँ रह गया? अबे यार आज फिर लेट हो गया, आज तो पक्का आतिफ सुनाने वाला होगा। अबे यार ये तो सच में बहुत गुस्से में लग रहा है, एक काम करता हूँ थोड़े मजे लेता हूँ इससे। कहाँ रह गया भाई, मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ? सॉरी यार वो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या, तेरा एक्सीडेंट हो गया है? कैसे, मुझे बता, मैं अभी आता हूँ। जस्ट तेरे पीछे। मेरे पीछे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तू डर गया था ना, चल। अच्छा बेटा मजाक कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? एकदम बकवास, पर तेरा मुंह देखने लायक था। ठीक है यार अब बस भी कर। तेरी अदा भी है झोंके वाली, झोंके गुजर जाने दे। तेरी लचक है के जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है। ओ आशिक आवारा, तुझे पता भी हो कौन है? देखने में तो लड़की लग रही थी। अबे वो मुझे भी पता है। अच्छा रुक मैं बात करके आता हूँ। अबे नहीं नहीं, अरे यार ये तो मरने वाले काम कर रहा है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? ओ शिट, तो आपको पता चल गया है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? अब ऐसे करोगे तो किसी को भी पता लग जाएगा। अच्छा फिर कैसे करूँ कि पता ना चले? मैं क्यों बताऊँ? अगर तुम बताओगे नहीं तो कल से तुम्हें पता नहीं चल जाएगा। इसका मतलब तुम कल फिर से मेरा पीछा करोगे? हाँ अब इरादा तो कुछ ऐसा ही है। कोई जरूरत नहीं है मेरा पीछा करने की। ठीक है फिर तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, नहीं करूँगा तुम्हारा पीछा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। तो इसका मतलब तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे लड़की बनना पड़ेगा? मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है फिर कर लो दोस्ती। मुझे नहीं करनी, और ना आज के बाद मेरा पीछा मत करना। तो सुन ली गालियां? अबे ओ गाली नहीं दे रही थी। तो क्या नंबर देके गई है? अबे हाँ यार नंबर तो लेना भूल ही गया, रुक लेकर आता हूँ। चुपचाप घर चल। अबे मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है घर चल। हाँ वैसे भी कल तो आना ही है। क्यों, कल क्या है? अबे कल भी आएगी ना वो। मैं नहीं आऊंगा। कल तुझे तो लेकर ही आऊंगा मैं। खुद तो आता नहीं टाइम पे, फिर मैं क्यों आ जाता हूँ उसके लिए टाइम पे? अगली बार से मैं भी लेट आऊंगा। हेलो भाई साहब, जिन्हें देखना था वो आ गई, और उन भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज फिर लेट। अबे मेरी तो साला कोई इज्जत ही नहीं है। अबे तुम आज फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? मैं पीछा कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हाँ तो किसने बोला साथ चलने को? तुमने। मैंने? हाँ तुमने, तुम्हारी खूबसूरती ने, तुम्हारी आँखों ने, तुम्हारी जुल्फों ने, तुम्हारी ओठों। हाँ हाँ बस मैं समझ गई। अरे वाह तुम तो बहुत समझदार हो। बचपन से। वैसे यार हमने इतनी बातें कर ली है तो अब हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। क्या मतलब, अभी हम थोड़ी सी तो बात करी है। मतलब हमें और बात करने की जरूरत है? बहुत। फिर एक काम करते हैं, कहीं बैठ के बातें करते हैं। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ चलो। क्या
क्या हुआ? तुम्हें देख रहा हूँ। जब से देख ही जा रहे हो अब बस भी करो। वैसे यार मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। जोया। और तुम्हारा? मेरा शिवा। क्या हुआ? तुम हिंदू हो? हाँ तो? पर तुम जब भी अपने दोस्त से मिलते हो तो सलाम करते हो। हाँ क्योंकि वो मुस्लिम है। मुझे लगा कि तुम भी मुस्लिम हो। तो क्या हुआ? मैं नहीं मानता ये हिंदू मुस्लिम। और जो मानते हैं? जो मानते हैं माने, पर मैं नहीं मानता। कौन है? मेरे भैया। ये कौन है? भैया ये शिवा है, मेरा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाम शिवा और अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा एक ही दोस्त है और वो मुस्लिम है तो आदत हो गई है। और वो दोस्त जोया है? नहीं नहीं वो तो कोई और है। फिर तो एक ही मुस्लिम दोस्त हो तुम्हारा, वही अच्छा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुम्हें समझ ही नहीं है इसलिए जोया से दोस्ती कर ली। चलो जोया। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूंगा एक दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे। ओ तेरी, आज तो ये टाइम से पहले आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? मेरा नाम शिवा है ना, इसलिए मैं अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता। अबे तू मुझसे भी अच्छा अस्सलाम वालेकुम बोलता है, और कोई कह भी नहीं सकता कि तू हिंदू है। सबको ये लगता होगा तू मुस्लिम है। यार ये लोग हिंदू मुस्लिम के चक्कर में क्यों पड़े हैं? ये इंसान को इंसान की तरह नहीं देख सकते क्या? भाई हुआ क्या, कुछ बताएगा भी? ये जोया का भाई है ना। हाँ तो रुक, जोया आ गई, मैं बात करके आता हूँ। मेरा पीछा मत करो। पर मैं तो तुम्हारे आगे चल रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर क्या हुआ? भैया ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया है। पर क्यों? क्योंकि तुम क्योंकि मैं हिंदू। यार मैं नहीं मानता हिंदू मुस्लिम, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं समझ जाऊंगी, तुम समझ जाओगे, पर बाकियों को कैसे समझाएंगे? मुझे बस तुमसे मतलब है, बाकियों से नहीं। जोया तुमने मुझसे प्यार किया था ये मेरी रिलीजन से। जब तक तुम्हें नहीं पता था मैं हिंदू हूँ तब तक सब ठीक था। जैसे तुम्हें पता लगा मैं हिंदू हूँ, प्यार खत्म। जोया तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या मेरा रिलीजन? शिवा प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ, पर तुम भी जानते हो कि ना तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे और ना मेरे। यार जबकि जब देख लेंगे, अभी से इतना क्यों सोच रही हो? और बहुत लोगों ने यार अदर कास्ट में शादी की है।
मना किया था ना इनसे मिलने के लिए? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? काफी टाइम हो गया है। अभी भी वक्त है, दूर रहिए हमारी बहन से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्यों, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम। नहीं, आज मुझे बोलने दो। जोया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने भी किसी लड़की से प्यार किया था जो कि खुद एक अलग धर्म की थी। जब आप दोनों का प्यार एक नहीं हो पाया तो आप हम दोनों को भी एक होने देना नहीं चाहते। और मुझे लगा था कि आप हम दोनों की सिचुएशन को समझोगे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद जोया से मिलने की कोशिश ना करना। कोशिश नहीं करूँगा, मैं मिलता रहूँगा और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। घर में माँ बाप हैं तुम्हारे? हाँ, और मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगा जोया के लिए। पर इस समाज को कैसे समझाओगे शिवा? ये दुनिया, ये सोसाइटी जो दिखावा करती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और बोलती है कि हम सब एक हैं, पर एक एक करके एक दूसरे को मारते रहते हैं। बात सिर्फ तुम्हारी और जोया की नहीं है, बात अब मेरी भी है। मैंने भी एक हिंदू लड़की से प्यार किया था और सोचा था कि मैंने कोई गलती नहीं की है। अड़ा रहा अपनी बात पे, सोचा कि सारी दुनिया मान जाएगी, पर आखिरी में हार मुझे माननी पड़ी क्योंकि प्यार मैंने किया था, पर सजा मेरे अम्मी अब्बू को मिली। बाजार जाते वक्त अम्मी के साथ किसी ने बहुत बदतमीजी की और ऑफिस जाते वक्त अब्बू का किसी ने हाथ काट दिया। तुम्हारे भी पापा ऑफिस जाते हैं ना शिवा? ख्याल रखना उनका। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर हाँ, भीड़ तुम्हारे और सोया की वजह से इकट्ठी होगी। मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही होना चाहता हूँ। हमेशा हर भाई अपनी बहन के खिलाफ नहीं होता है, और हो सकता है मेरे और तुम्हारी फैमिली वाले इस रिश्ते को मंजूर कर लें, पर ये समाज, ये हालात उन्हें इस रिश्ते को मंजूर करने नहीं देगा। ये समाज के कुछ लोग हमेशा लोगों को ऐसे ही मजबूर करते हैं। और अभी तो तुम्हारे पास वक्त भी है, संभल जाओ वरना संभाल लेना। अजी बेगम साहिबा, और कितना वक्त लगाइएगा, इतने में तो मूवी निकल जाएगी, जल्दी कीजिए। माशाल्लाह, नजर न लगे, चलिए। जब से हमारी शादी हुई है तुमने आज पहली बार मुझे मन भर के शॉपिंग करवाई है। हमारी अधूरी कहानी।